गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतर पोयम है। इस पोयम में कवि ने प्रसन्न जीवन के गुण बताए हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। तो चलिए इसे पोयम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस पोयम का टाइटल है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन के गुण, जिसे कंपोज किए हैं सर हेनरी वाटन। तो चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। सर हेनरी वाटन कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट, यानी कि वह जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, दैट सर्व्स नॉट अनादर्स विल, जो दूसरे की अनादर्स विल, दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करता है। अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर, जिसके कवच, आर्मर का मतलब कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं। अर्थात जिसके सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और सरल सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट का मतलब सर्वोत्तम, स्किल मतलब योग्यता, और जिसका साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस, जिसके तीव्र इच्छाएं, जिस व्यक्ति की तीव्र इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं में आपकी आ जाएंगी क्रोध, भय, हर्ष इत्यादि, नॉट हिज मास्टर्स आर, मतलब उसकी मालिक नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता है। अनटाइड अंटो द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मतलब जो बंधन मुक्त है, अंटो द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त है। आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ, ना तो उसे राजा की कृपा, प्रिंसली लव, ना तो उसे राजा की कृपा की आशा है, आर वल्गर ब्रीथ, वल्गर मतलब साधारण लोग, ब्रीथ का मतलब हो जाएगा आलोचना, ना ही उसे राजा की कृपा की इच्छा है और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीट, यह पोयम बहुत ही पहले का लिखा गया है, इसलिए देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वह पुराने आएंगे। जैसे हैथ, हैथ का मतलब हैज हो जाएगा, तो हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीट, जो अपने जीवन को र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स मतलब अफवाहों से, फ्रीड मतलब मुक्त रखता है, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी कॉन्शियंस मतलब अंतर आत्मा ही हिज स्ट्रांग रिट्रीट, स्ट्रांग का मतलब हो जाएगा दृढ़, रिट्रीट मतलब होता है शरण स्थल, जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी शरण स्थल है। हुज स्टेट, जिसकी अवस्था को कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, फ्लैटरर्स मतलब होता है चापलूस, जो चापलूसों से प्रभावित नहीं होता है, नार र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, नार र्यून मतलब उसका विनाश, मेक मतलब बनाता है, ऑपरेशंस मतलब उसके विद्रोहियों को, ग्रेट मतलब महान, और उसका विनाश उसके विद्रोहियों को महान नहीं बना सकता है। हु इनवीस नन, जो उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है, हु मतलब जिसे, चांस मतलब अवसर ने, दोत का मतलब हो जाएगा डज से, रेज मतलब आगे बढ़ना या प्रगति करना। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से प्रगति की है, नार वाइस, और ना ही वह उसकी बुराई करता है।
Who never understood, जो कभी नहीं समझता है, how deepest wounds are given with praise. How deepest, कितने गहरे, wounds मतलब घाव, are मतलब होते हैं, given with praise मतलब प्रसन्नता के साथ, अर्थात प्रसन्नता के घाव कितने गहरे होते हैं. Nor rules of state, वह राज्य के नियमों का चिंता नहीं करता है, but rules of good, good मतलब अच्छाई, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है. Who guard, दोत का मतलब हो जाएगा does, तो कभी कहता है कि who guard does late and early, late and early का मतलब होता है सुबह शाम, जो सुबह और शाम प्रे मतलब भगवान की प्रार्थना करता है. More of his grace, अर्थात वह उसकी grace मतलब कृपा के लिए प्रार्थना करता है. Then gift to lend, मतलब उससे इनाम या किसी फल की इच्छा से नहीं करता है. Who entertains the harmless day, जो अपने दिन का मनोरंजन करता है. With a well chosen book, our friend, एक अच्छी पुस्तक के साथ, our friend मतलब अपने मित्रों के साथ, वह व्यक्ति जो एक अच्छी पुस्तक के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ अपने दिन का मनोरंजन करता है. This man is free from servile bands, और अंतिम स्टेंजा में कभी कहते हैं कि this man is free, यह व्यक्ति स्वतंत्र होता है from servile bands, सर्वाइल मतलब गुलामी के, बंड्स मतलब बंधनों से, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है. आप होप टू राइज, ना तो उसे होप मतलब उम्मीद होती है या आशा होती है, टू राइज मतलब ऊंचा उठने की, ना तो उसे ऊंचा उठने की आशा होती है. आर फियर टू फॉल, और ना ही उसे डर होता है, टू फॉल मतलब गिरने का, और ना ही उसे गिरने का डर होता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का लॉर्ड मतलब स्वामी होता है. दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सांसारिक संपत्ति, मतलब वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी नहीं होता है बल्कि वह खुद का स्वामी होता है. एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, हैथ का मतलब हैज, वह सब कुछ रखता है, अर्थात उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ.